नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए हम लोग रेडी हो गए हैं अभी और हम लोग जा रहे हैं। पहले तो हमारा प्लान ये था कि हम लोग फ्लोटिंग मार्केट डायरेक्टली जाएँ, लेकिन अभी के लिए हम लोग जा रहे हैं पहले टाइगर पार्क, जहाँ पे वो टाइगर रहते हैं ना, आपने देखा होगा बहुत सारे ब्लॉग्स बनाते हैं, क्योंकि टाइगर रहते हैं वो, जहाँ पे हम लोग उसको छू सकते हैं, उनको करीब से देख सकते हैं, वो वाला जो टाइगर पार्क है वहाँ पे जा रहे हैं पहले। उसके बाद हम लोग निकलेंगे फ्लोटिंग मार्केट के लिए, तो वो शाम का प्लान रहेगा अराउंड 3:34 इस टाइम के हिसाब से। और तो अभी ये प्राइवेट ट्रांसफ़र है और ये हमारा बुकिंग के अंदर इंक्लूडेड है, लेकिन टाइगर पार्क के लिए हमको एक्स्ट्रा 200 बाद देना पड़ेगा, और उसमें टिकट का चार्जेस भी है अलग से, पर पर्सन 200 बाद, जो कि दोनों के लिए 400 बाद रहेगा, सिर्फ आउटसाइड व्यू के लिए। अगर आपको छूना है उसको तो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस है, डिफरेंट डिफरेंट साइज ऑफ टाइगर के लिए, जैसे मतलब अगर बच्चे को छू रहा हो तो आपको कम पैसा लगेगा और बड़े वाले को छू रहे हो तो आपको ज़्यादा पैसा लगेगा। मैक्सिमम जो प्राइस है अराउंड 560 बाद पर पर्सन, तो आप उसके साथ प्लान कर सकते हो कि कैसे आपको जाना है, कहाँ जाना है। तो ये है टोटल आपका कन्वर्सेशन अगर आपको वहाँ पे जाना है। तो अभी हम लोग चलते हैं वहाँ पे। कैसा लग रहा है तुमको सामान, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके पटाया में? रोड यहाँ पे ना थ्री लेन में बटा हुआ यार, तीन तीन लेन दिया गया है। देखो Welcome to Pattaya. Now we have come from to floating market. तो ये floating market है उनका। तो हमारा plan जो था ना, वो पहले floating market है, उसके बाद हम लोग जाएंगे tiger park। और ये road पे ही है, मतलब सामने ही है, लेकिन इसके लिए वो लोग 200 charge कर रहे हैं, क्योंकि I think इनका planned है पूरा scene। क्योंकि ये जो हमारा entry रहेगा सब इनका है, already booking कर चुके हैं हम लोग इंडिया से ही, तो इसलिए साथ वो एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं कि अगर आप लोगों को कहीं पर ठहरना है प्राइवेट कैब में और प्राइवेट शेयरिंग ट्रांसफ़र कैब में, तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, लाइक 200 बात यहाँ पे बोल रहे हैं, जो कि अराउंड 400 रुपये है, 400-500 रुपये, 500 रुपीज़ अराउंड, तो वो है। और ये है आपका फ्लोटिंग मार्केट। तो अभी हम लोग वहाँ पे घूमेंगे पहले कम्प्लीटली, उसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट, जो हमारा डेस्टिनेशन है नेक्स्ट वाला टाइगर पार्क, वो भी आपको दिखाएंगे। क्या है ये चीज, चलो हम लोग चलते हैं फ्लोटिंग मार्केट की तरफ। और ये इसका एंट्री जो पॉइंट है, ऑलरेडी हमारे पास टिकट बुकिंग है, वाउचर्स है, तो हमको लाइन पे लगना तो नहीं पड़ेगा, हम लोग डायरेक्टली अंदर चले जाएंगे। तो देखते हैं अभी कैसे हो रहा है ये। इसके अंदर इसे बनाया गया है फ्लोटिंग मार्केट, जो बोट दिख रहा था ना बाहर से, इसके अंदर से ये है, और ये इसे दिख रहा है। आई थिंक इनका रानी महारानी का कोई है, तो जो उनके लिए ही बनाया गया है ये। बहुत सारे आर्ट बनाए। हाँ हाँ बोलो। चलो चले, हमारे बुला रहे हैं, वो कन्फ्यूजन उनका भी हो रहा है कि कहाँ जाएं हम लोग। तो ये हमारा बूट है,
तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे बैठे। ओके थैंक यू। सो टर्न बैक। अभी सीट पे बैठा हुआ यार, तो बैठ गए हम लोग अभी रोटी में। हम दोनों ही बैठे हैं अलग अलग से देखने के लिए। हम लोग थोड़ा ही सोचा कि ये ग्रुप का एक्टिविटी होगा, लेकिन ग्रुप का नहीं है क्योंकि हमने बुक किया है ट्रैवल के थ्रू। आई गेस इसके लिए वो पर्सनल आपको घुमाने लेके जा रहे हैं, मतलब ये फ्लोटिंग जो फ्लोटिंग मार्केट को आपको ये फ्लोट करते हुए लेके जा रहे हैं नाव में। गाड़ी चली जी थी बारबी क्यू टाइप रखी बहुत अलग अलग तरह का यहाँ पे वो लोग खाना बना रहे हैं, लेकिन हमको ना थोड़ा अजीब सी लग रहा है। मतलब वो खाना देखने से वो 100% वो एक्यूरेसी आ ही नहीं रहा हमको कि हम लोग इसको खा भी सकते हैं और क्या नहीं। पता नहीं मतलब ये जो ऑकवर्डनेस है सही है कि नहीं है हमको नहीं मालूम, लेकिन बट ऐसा हमको फील हो रहा है तो हमको बता दे रहे हैं। और ये देखिए सब बोट में है ना, कम्प्लीटली बोट में ये लोग कर रहे हैं, जो भी इनका ये मार्केट है ये बोट में ही है। हाँ बहुत अच्छा दिख रहा है यार ये ब्रिज तो। हाँ कम्प्लीटली मतलब जैसे पुराने, हाँ जैसे पुराने जमाने का कोई मूवी शूट हो रहा है तो ऐसा कुछ लग रहा है यहाँ पे। मतलब ये जो पुल है ना मस्त दिख रहा है, ऐसे हम इसके नीचे से जा रहे हैं ये टूट ना जाए बस। अरे रोड लगा हुआ उसमें डायरेक्टली। हाँ मार्केट बुल था एम थे ऐसा एक्चुअली होना चाहिए, मतलब कंप्लीट उनका मार्केट फ्लोट होना चाहिए और हम लोग यहाँ पे घूमेंगे। ओके से गाइड चल रही बुझे थी म्यूजिक जो भैया है ना वो पीछे जो म्यूजिक चल रहा है उसमें वो गाइड चला रहे हैं कि कैसे कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, लेकिन हमको एक्चुअली में कुछ समझ में नहीं। थोड़ा एक्सेंट का अलग इशू है और बहुत अलग सा म्यूजिक दिया है बहुत जोर से। किम्भीरो अच्छी अच्छी किम्भीरो कौन अभी स्विंग ब्रिज, इसको स्विंग ब्रिज बोला जाता है। ओके वो स्विंग ब्रिज ही है, वो स्विंग ब्रिज ही दिखेगा क्योंकि वो इतना ज्यादा हिल रहा है ना वो पटाया फ्लोटिंग मार्केट। हाय
पूरा खाई भी पारी हो गया। हाय चलो भाई। सेम ऐसे इस तरह के हम लोग भी घूम रहे थे, अभी हम लोग छोड़ दिया गया है यहाँ पे, लेकिन कुछ इतना ज्यादा भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। प्रियो ज्यादा एक्सपीरियंस अच्छा था क्या? पता है, पता है। बुढ़ी थोड़ा बुरी सी स्मेल आ रही है, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, फिर भी ये आ रहा है, तो उसको हम लोग इग्नोर भी नहीं कर पा रहे क्योंकि कंटिन्यू। लेकिन हम लोग सुबह जो ब्रेकफास्ट भी कर रहे थे ना, तब भी वो एक अलग सा खुशबू आ रहा था, खुशबू तो नहीं बोलते, अलग सा बदबू आ रहा था, तो उसके लिए थोड़ा हमको डाइजेस्ट करने के लिए मुश्किल हो रहा है कि हम लोग उसको कैसे इग्नोर करें, क्योंकि अभी तो हमको 3-4 दिन और यहाँ पर रहना है, तो ये सारे फूड का भी हमको करना पड़ेगा। तो ये पूरा जो दिख रहा है आपको, ये है पूरा प्रोटीन मार्केट, इन लोगों का एरिया भी ऐसा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे चिकन वगैरह अलग से बनाए हुए रखे हैं, और ये पूरा वुडन बनाया हुआ है, जितना भी फ्लोर आप देख रहे हो पूरा वुडन बनाया है, और पानी के ऊपर कॉन्सेप्ट क्या है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन है ऐसा ही है। कौन सिम्बो थिला ना, कौन थिला? जो प्लान है, मतलब ये जो कंटिन्यू कर रहे हैं इसका, तो ये पूरा यहाँ पे मतलब ऐसे सी फेसिंग जैसे बना के रखा है सारे जगह पे, और कम्प्लीटली मार्केट है, तो यहाँ पे आके पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो आप पटाया का। अगर आप कुछ सोविनियर ख़रीदना है तो यहाँ से आप ले सकते हो, थाईलैंड का हो गया, पटाया का हो गया, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा वो शॉप जाके कि कैसे यहाँ पे सोविनियर दिख रहा है, फ्रिज मैगनेट क्या है, पोस्टकार्ड क्या है, वो सब रहेगा। हेलो पटाया, क्या रहे हैं यार? कटहल इसका भी टेक्सचर कुछ अलग नहीं दिख रहा है, इस फ्रूट्स का भी टेक्सचर अलग होता है क्या कंट्री वाइज? स्मेल तो कटहल का ही आ रहा है ना। ट्राई करना तुझे ना कुंभीर बोल दे, मगरमच्छ का खाना देखे होगे भी, ये देख मगरमच्छ भी मिल रहे यहाँ पे, मगरमच्छ सच में। भुना हुआ केला देखे होगे भी, आज दिखाता हूँ आपको, ये देखो भुना हुए केले, हाउ मच, हाउ मच बनाना, हाउ मच 50 baht, ओके okay.
ये जो फिश का है ना, जो मसाज कराते हैं पैर में डाल के, जो फुट मसाज होता है फिश का, तो मैंने सुना ये बहुत ख़राब है आज के डेट में, तो क्या मत करना इसको। मैं नहीं कर रहा हूँ इसका मतलब नहीं करना है। मैंने सुना हूँ इसको नहीं करना चाहिए, तो अभी आप ही चेक कर लो यार। बाकी यहाँ पे कुछ भी लोग खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं। कच्ची हुई बांबू खाया है कि कभी? दिखाता हूँ अभी, रुको। ये कितने का है ये? 100 135। ओके, हाथी को स्टेचू ऐसे बनाया गया है ना, जैसे वो लोग ये लकड़ियाँ खींच रही हैं, देखे ऐसे बनाया है। What is this? Squid. And this one? Okay. Octopus. How much the cost is? 80 baht. Okay. नॉन वेज किसी को अगर खाना है तो यहाँ पे आ जाना, आपको सब मिल जाएगा। मगरमच्छ तक मिल रहा भाई, कुछ भी मिल जाएगा। ऑक्टोपस, मगरमच्छ, कुछ खाना है यहाँ पे खा जाओ, सब खा सकते हो। और ग्रिल भी मिल जाएगा, भुना हुआ मिल जाएगा, कुछ भी मिलेगा। इवन तो वो केला को भी भून के खा रहे हैं यार, तुम सब खा सकते हो। आ जाओ यहाँ पे और लूटो पड़ो। तो अभी इसको बाय बाय करके हम लोग निकल रहे हैं हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो है वो टाइगर फार्म, टाइगर पार्क। तो वहाँ पे हमारा जो बुकिंग हुआ है 200 थाई बात का, और पर पर्सन 200 थाई बात का अलग से टिकट, क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्ट के लिए अलग लगेगा और टिकट के लिए अलग लगेगा, वो हम लोग करेंगे। तो इसको बाय बाय करके चले जाते हैं हम लोग। ये आगे हम लोग तो मोस्ट फेमस पटाया, इधर टाइगर पार्क जा। कितने बजे जाना जी?